धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे भगवान, क्यों खून जलाते हो अपना, वो भी उसके लिए जिसकी समाज में किसी को कोई कदर ही नहीं है। कितनी इज्जत और कितना नाम कमाया आपने, बताओ तो। इस छोले का उधार करने का ठेका क्या आपने ही लिया हुआ है? ठीक है, बारातों में नाच गा के दो पैसे आ जाते हैं, बात खत्म। कांशी, हम शादी बारातों में नाचते हैं वो ठीक है, लेकिन ये वो नाच नहीं है जो लोगों ने इसे बना दिया है। मैं इस नाच को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूं, बहुत दूर तक ले जाना चाहता हूं। ये नाच वीरता और शौर्य का प्रतीक है कांशी। इसी नाच की वजह से दानी चोलियार का नाम पूरी दुनिया में फैलेगा। हाँ, बस हो गया हो गया। तुम्हारा बस चलता ना तो मेरे देबू को भी इसी दलदल में धकेल देते। जब मेरा देबू फौजी अफसर बन के आ जाएगा ना तो ठाट करोगे ठाट, नाच गाना सब भूल जाओगे। लो ये खीर खा लो, पारू दे गई थी स्कूल जाते समय। मैंने कब कहा कि तू गलत है? तेरी खुशी में मेरी खुशी है कांशी। ले तू भी खा। तुम ही खा, मैं नहीं खा लू। अरे खा लेना। तुम और तुम्हारी नाच। Thank you.
नाच में बायां पैर पहले आगे। तुझे कैसे समझाऊं? लगता है तेरा मंचित नहीं है आज। हैं? हुनर ला हुनर। हेरा काका, कोशिश तो मैं बाएं पैर के करना ठहरा, अब दाएं पैर आगे आ जाना ठहरा। लल्लू क्या करे बेचारा। हे भगवानो, कैसे समझाऊं इनको। अरे दाजू, लगता है आज सुबह सुबह कच्ची चढ़ा ली है ये लल्लू ने, क्यों हो बताओ। वैसे बताऊं दाजू, बिना पिए हमसे कहाँ होने वाला ठहरा फिर ये नाच। तू भी यार जग्गू यार। तुम लोग फालतू की बातें ज्यादा करते हो हैं। हुनर की इज्जत करोगे तो दुनिया में तुम्हारी इज्जत होगी। बड़े बड़े वीर राजपूत करते थे इस नाच को, शुद्ध मजाक बना के रख दिया। ओ देवू बाबू, खान खेलो खान। शोभना दाजू, ले तू ही समझा यार इन लोगों को। यार तुम लोग भी ना परेशान कर देते हो यार दाजू को। यार छोलिया नृत्य का इतिहास जानोगे तो दंग रह जाओगे दंग। जानते हो कौन लोग क्या करते थे इसको है? अरे दाजू क्या करें, इतिहास भूगोल को जान के हम लोग, हमको तो पैसा कमाना है। शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, अनपढ़ लोग हैं, हमने काम सीखा है, हमें काम करना। ठीक है पैसा कमाना है ना। हाँ खूब पैसा कमाना है ना। जम के देखो, शादी ब्याह का टाइम आ गया है, जम के प्रैक्टिस करो, अच्छा डांस करो, तभी तो पैसा कमाओगे। क्यों है, चलो चलो प्रैक्टिस करो, चलो चलो लगो, चलो 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 आ जाओ। साहब नमस्कार। ठेकेदार साहब के लड़के की शादी है अगले महीने, वो भी 5 पैट को। शहर से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इकलौते बेटे की शादी जो ठहरी, इसलिए तुमको पूरी तैयारी के साथ आना है। पर मालिक, वो असल में दादा ने वो 5 पैट के लिए किसी और को जुबान दे दी है वो। हाँ 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 ठाकुर साहब, दरअसल बात ये है कि टोली गांव के जो ग्राम प्रधान हैं, उनके बेटे की शादी का बयाना मैं ले चुका हूँ। अरे घबरा क्यों गए तुम लोग, ठेकेदार साहब ने इसका रास्ता पहले ही निकाल लिया है। ठेकेदार साहब के यहाँ कोई शादी हो और तुम्हारी टीम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए ठेकेदार साहब ने पंडित जी से बोलकर 2 शुभ मुहूर्त निकलवाए हैं, 1 5 को और 1 12 पैट को, ताकि तेरी टीम शादी में आए और 4 चांद लगा दे, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, तो मैं 12 तारीख को पक्का समझूं? पक्का समझिए मालिक, पक्का समझिए। नमस्कार, पहुंच जाना टाइम से। अरे अरे भाजी, आज तो मिठाई खिलाओ मिठाई, सवेरे सवेरे 2-2 बुकिंग मिली है, 2-2।
तलवार निकालना, तलवार। नाच वाच कुछ आता नहीं साले को, हट साले। ऐसा नहीं करते हैं बेटा। बेटा बोला साले। माफ कर दे साहब, अपनी औकात में रह, अपनी औकात में। छोटे लोग चल भाग यहां से, चल 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 कानी चल साले। वही हुआ ना, वही बेइज्जती, वही बदतमीजी। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता ऐसी बारातों में नाचने का। लगता है जैसा वालों ने खरीद लिया हो हमको, खरीद लिया हो। तू चिंता मत कर, कल को ये लोग हमारे छोलिया नाच की तारीफ करते नहीं थकेंगे। गंदे लोग कहां नहीं होते हैं लल्लू, सब जगह होते हैं। बेकार की बातें मत सोचा कर। देख कल सूखी ढांग बारात में जाना है, वहां तू छा जाएगा, छा जाएगा। खूब खुश है लल्लू। बहुत ऐसा ही ठहरा यार। ले रे पेतुआ, जा बोला जा, ले जा तू, ले जा खिमुआ, ले ओ बेशाखू, ले ले रे जीतुआ। ओ काकी, तुम्हें देवे चिट्ठी आ गए। मुझे तो हमेशा देव की चिट्ठी का ही इंतजार रहता है। क्यों लाडला जो ठहरा। मेरे देव की चिट्ठी, हाँ मेरे चेला चिट्ठी आ गई। भौजी आ गई, चल पढ़ के सुना। तो पास पास ठहरी, पास पास, चल सुना। हाँ हाँ, अरे वाह मेरे दोस्त, क्या बात है, लगता है आज कुछ तो खास है। सूट बूट टाई शाई। अमृत, आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, आज मेरे सीरियस का फाइनल इंटरव्यू है। वाह मजा आ गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुझे मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है, मुझे पता है, मुझे यकीन है। जिस मेहनत और लगन से तूने अपने सीरियस के एग्जाम क्लियर किए हैं, मेडिकल क्लियर किए हैं, मुझे यकीन है मेरे दोस्त तू इंटरव्यू भी क्लियर करेगा। जरूर, यकीन है। जरूर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद लेफ्टिनेंट देव। जय हिंद। नमस्ते मैडम। नमस्ते बच्चों, चलो अब सबकी हाजिरी लगेगी। पहले करण कुमार। जी मैडम। अनिल कुमार। जी मैम। जीवन राम। जी मैडम।
चाय पी लो। अरे पारू। बेला काका। जीती। बेला काकी। जी तेरो कैसी चल रही तेरी पाठशाला? बहुत बढ़िया काकी। अच्छा किया तूने, जो तू चली आई। ऐसी कभी कभी चली आया कर, हमारा भी मन लगा रहेगा। जिसके घर जाएगी मेरी पारुल, उस घर को तो मंदिर बना देगी मंदिर। ठीक है काकी, अब मैं चलती हूँ। अरे बैठ ना पारू, चाय पी के जाओ। नहीं नहीं काकी, नमस्ते। जीती रहो। जहाँ कितनी प्यारी बच्ची है ये। हमारे देबू के लिए भी हमको ऐसी बहू मिल जाती तो कितना अच्छा होता। काटे न्या काटे न्या बोली ऊंचो
मोहब्बत का एहसास है, हर एक सुबह का ये आगाज है। आंखें हैं नम पर है दिल में खुशी, तेरी दुआ का ये अंजाम है। लागे ना जी देव, आज तो पार्टी बनती है बॉस। पार्टी? पार्टी किस खुशी में? किस खुशी में? अरे इतनी सालों की मेहनत के बाद मेरे दोस्त का सीडीएस का इतना बढ़िया इंटरव्यू हुआ है, पार्टी तो बनती है ब्रदर। अमरे तू भी ना बस। अरे तू चिंता ना कर, पार्टी अपुन देगा। आफ्टर ऑल माय फादर इज एन एटीएम। सो नाइस ऑफ यू। देख पार्टी हम जरूर करेंगे, लेकिन आज नहीं, मेरे सिलेक्शन के बाद। ठीक है, जो महादेव की इच्छा। आपने कहा और हमने माना, और क्या कर सकते हैं भाई। अमृत दोस्त, तू जानता है ना कि मेरा आर्मी में सिलेक्शन होना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे से पहले मेरी माँ का सपना है अमृत कि उसका बेटा आर्मी ऑफिसर बने, और इसके लिए उसने जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। यहां तक कि बचपन में वो इसके लिए पिताजी से लड़ जाया करती थी। बाजू देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे वाह, तू तो पूरा छोलियार लग रहा है। ये मैंने तेरे लिए ढाल बना रखी है, इसको पकड़। ये ले तलवार, इसे ऐसे चलाना। अरे वाह, चल थोड़ा नाच करते हैं। बाबा हो ये सिखाओगे इसे? चल पढ़ाई कर। देव कहाँ खो गया? चल ट्यूशन के बच्चे आ गए होंगे तेरे। पानी दो पानी। नहीं। दवाई दो दवाई। आज देवू की बड़ी याद आ रही है, इस महीने हमने उसको पैसे भी नहीं भेजे। तो फिक्र मत कर, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूंगा। हाँ दाजू नमस्ते। भौजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और अब दाजू तबीयत ठीक है पहले से? हाँ पहले से थोड़ा ठीक। अरे दाजू वो ठाकुर अर्जुन सिंह का साला वो बाजार में मिला था। अच्छा अच्छा। वो ठाकुर साहब की इकलौते बेटे की शादी अगले मंगलवार को। अच्छा। हाँ, और वो चाहते हैं कि हमारा दल ही नाचे उनकी शादी में। अच्छा दादा, अच्छा पैसा मिलेगा, मौका भी अच्छा है। अब देख लो दादा फिर वो। सोवन लाला कैसी बात करते हो, इनकी तबीयत कितनी खराब है, ऐसे में कैसे नाचेंगे? जरा सी खांसी तो है, ठीक हो जाएगी। तू फिकर मत कर, पिछली बीमारी में नहीं नाचा था क्या मैं? तो ये तो सोच, देवू को भेजने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, इसकी फिकर है तुझे? जरूर जाएंगे और खूब नाचेंगे वहाँ। हाँ ठीक है दाजू। दाजू अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ अच्छा मैं चलता हूँ। जा जा नमस्ते। नमस्ते बहुत नमस्ते। नमस्ते।
देव, देव, परेशान हो गया हूं इसके सपनों से। पता नहीं क्यों आता है बार बार मुझे ये सपना। नफरत है मुझे इस नाच से। यार देव, तेरा ये सपना एक दिन मेरी जान ले लेगा। महीने में दो तीन झटके तो दे ही देता है, रात तो रात और आज सुबह सुबह। वैसे देव, मेरी दादी कहती है सुबह का सपना सच होता है, और आज तो तेरा सपना सुबह सुबह। तू और तेरी बातें, चल के चाय बना ले जरा। मैं बनाऊं? हाँ तो मैं बनाऊंगा, मंगलवार है आज, बारी आपकी है दोस्त, जाइए। हाय हाय, तू कब पिलाएगी चाय अपने हाथों से? हे भोलेनाथ, अपनी कृपा बनाए रखना। आर्मी ज्वाइन करते ही जब बाजू को अपने साथ ले आऊंगा, ताकि दो पैसों के लिए बाजू को बारातों में नाचना न पड़े। सिंह, मेरी बंदूक भरी होनी चाहिए। बारात जैसी ही दुल्हन की जोड़ी पे पहुंचे तो बस ठी ठी ठी, इस गांव कोई नहीं पूरे इलाके को पता चल जाए कि ठाकुर के बेटी की बारात दुल्हन की जोड़ी पे पहुंच चुकी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। हरिया, ओ हरिया। जी जी आजी। अबे कहाँ मर गया तू? अरे मैं कहाँ जाने वाला ठहरा यार जी आजी, मैं तो यही सब इंजाम देख रहा ठहरा। वो जरा 5 दिन है तो। अबे अब तू 5 की औकात पे उतर गया? चल तू भी क्या याद करेगा किस जीजा से तेरा पाला पड़ा है, हैं? ये क्या 5 रुपए? अरे आजकल 5 रुपए में आता क्या है? अरे मैंने 5,000 रुपए मांगा था, वो सारे इंजाम जो देखने हैं, कोटा भी तो पूरा करना है ना, कहीं कम पड़ गया तो सारी बेइज्जती भी खराब। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा, पर ख्याल रहे बारात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जाकर अपनी दीदी से ले लेना जी, पर ध्यान धरे कि बारात का इंतजाम A1 होना चाहिए। कोई भी ये ना कहे कि ठाकुर की ड्योड़ी से खाली लौटे हैं। जी जी आजी। अरे दीदी, पापी ने यहाँ पर गिरकर घोर अनर्थ कर दिया। इस हैपड़ पर गिरकर इसने अपवित्र कर दिया है इस हैपड़ को।
अरे कोई ठाकुर साहब को बुलाओ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, शेर सिंह। ए, क्या हो रहा है? ठाकुर साहब, इसने यहाँ पर गिरकर अपवित्र कर दिया है इस एयरपोर्ट को। अरे गोली की आवाज, मेरा ही घर मिला था तुझे अपशकुन करने के लिए। कमीना बच्चा, ध्यान नहीं रहा तुझे कि ठाकुर के बेटे की बारात है और यहाँ आकर एयरपोर्ट को छू कर तूने अपवित्र कर दिया। याद रख बे धनीराम के बच्चे, अगर आज के बाद यहाँ से 10-10 मील की दूरी पर भी दिखाई दिया तू तो क्या तेरी पूरी बिरादरी की कर दूंगा। गन आदमी गन ही मचाता है। क्या हुआ इनको? हे भगवान, मैं तो इनको पहले ही कह रही थी कि तुम मत जाओ, मत जाओ। भौजी, भौजी, दाजी वो नाचते नाचते गिर पड़े थे। तू भरोसा कर, भगवान पर भरोसा कर। डॉक्टर को दिखा दिया है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। तू थोड़ी चिंता मत कर, थोड़ी देर में होश आ जाएगा दाजू को। मेरे देव को बुला दे, मेरे देव को बुला दे बेटा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? देव, बात क्या हुई? अचानक अचानक जाकर रहा है। मुझे अभी तुरंत गांव निकलना अमृत, सब आकर बताऊंगा, अभी थोड़ा जल्दी में हूं। अरे कुछ बता तो सही, बात क्या हुई? अच्छा सुन, मेरा कोई लेटर आया ना तो उसे प्लीज संभाल लेना। तू चिंता ना कर, मैं सबको संभालूंगा, लेकिन कुछ 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 बता तो सही। देव, अपना ख्याल रखना। हे भगवान, मेरे दोस्त की रक्षा करना। अरे कोई नहीं दिख रहा गांव में। कहां गए सब लोग? कोई भी नहीं दिख रहा, पूरा गांव खाली है। खुशी में मैं आगे आगे और पीछे तुम थे, खुशी में मैं आगे आगे और पीछे तुम
थे, आज भी मैं आगे और पीछे तुम हो। छूटे मेरे संगी साथी, मैं हूँ छोले यार आहा, मैं हूँ छोले यार। ठाकुर के इकलौते बेटे की शादी थी। संयम से काम लो, संयम से काम लो। किस संयम की बात कर रहा हूँ बेटा? किस संयम की? मेरा बाप मरा है बेटा। बेटा गलती हमारी है, मेरा बाप मरा। मेरी बात सुन बेटे, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटे। गलती हमारी है, हमारी है। हम छोटी जात के नीच अनपढ़ लोग, जो उनकी नजर में सिर्फ एक नचनिया है, नचनिया। और दादा की, और दादा की मौत का कारण भी यही है और कुछ नहीं। बेटा बदला लेना जरूर लेना, लेकिन उनसे बड़ा इंसान बनकर। देव देव बेटे, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले बेटे, हिम्मत से काम ले। अपना बाप, संयम से काम लो बेटा, संयम से काम लो। अरे वाह जी आजी, पहला लो। नमस्ते सालिग्राम, नमस्ते। आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम। क्यों न हो जिया जी, आपका आशीर्वाद जुटे रहा। वो तो है। क्या बात जिया जी, आने में बड़े दिन लगा दिया। तुझे तो मालूम ही है कि मैं अपने बहु बेटे को 2 महीने से हनीमून पे घुमा रहा हूँ, बस लग गया समय। जिया जी वो है ना अपना ढोली दानी राम, मर गया साला। मर गया? क्यों, क्या हुआ धोनी राम को? लोग तो कह रहे हैं आपने उसे मारा है। मैंने? अनपढ़ जाहिल गवार। अरे बेकूफ उल्लू के पट्टे, तुझको नहीं उन लोगों को कह रहा हूं जो ऐसी खाम खा बातें फैला रहे गांव में। अरे मार नहीं होता तो उसे दिन नहीं करते उनके। आज दादा को गुजरे पूरे 2 महीने हो गए। अरे उन्हीं की वजह से तो हम अनपढ़ नाच गा के 2 पैसे कमा रहे थे, हैं? अब हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे? सही कह रहे हो भाई, दादा बेचारे तो चले गए, अब हमारा क्या होगा? अरे काहे के बेचारे, हमें तो इतना बर्बाद करके चले गए हैं। देखो ठाकुर का चैलेंज था कि अब तुम लोग किसी भी गांव में छोलिया नाच करते नजर आए तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, लगा लीजिए। अब हमारी हिम्मत तो नहीं होती भाई, खुद तो मर ज्ञान, हमें मारने की छोड़ ज्ञान। यहाँ बच्चों के लिए कुछ दाना नहीं है, क्या बच्चे भूखे मरेंगे क्या? वो नाचते गाते वो पैसे तो कमाते। मुंह फाड़ कर जो मन में आया बके जा रही है तू, मैं कहता हूँ चुप जा, चुप जा। अरे मैं क्यों चुप रहूँ? दानी राम ने हमने बेटे को पढ़ा लिखे का अफसर बना दिए, हमारे बच्चे क्या वैसे रहेंगे क्या, भूखे मरेंगे क्या? अरे चुप जा कहे जा रहा हूँ मैं तुझसे, चुप जा। चल घर चल, तू चल घर चल, तू सीधे घर चल, घर चल मैं कह रहा हूं तुझसे।
काहे के बेचारे, हमें तो इतना बर्बाद करके चले गए, अब हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे? यहाँ बच्चों के लिए कुछ दाना नहीं है, क्या बच्चे भूखे मरेंगे क्या? खूब नाचते गाते खूब पैसे तो कमाते। तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, लगा लीजिए। अब हमारी हिम्मत तुम नहीं होती भाई, खुद तो मर ज्ञान, हमें मारने की छोड़ ज्ञान। देव। हाँ माँ। खाने खा ले बाबू। मैं खा लूंगा, रख दो। बड़ा दुबला दुबला लग रहा है, खाना वाना नहीं खाता है शहर में क्या? खाता तो हूँ। खाना भी खाना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई तो चल ही रही होगी, पर खाने की तरफ भी ध्यान दे। चल जरा अपने बाप को देख, तेरी उम्र में हट्टा कट्टा था, चल जरा ताकत आजमा, देखता हूँ क्या है। अच्छा ठीक है, आप जीत गए, आप जीत गए। चलो चलो, हो गया, चलो। नहीं, पहले मम्मी खाएंगे। नहीं नहीं, पहले मेरे बाबू खाएगा। नहीं, पहले मेरे बच्चों खाएगा। खाओ ना बाबू। क्या चिड़िया की तरह खिला रही है। ऐसे खिलाते हैं जवान बेटे को, इतना बड़ा घास, तो ताकत भी आएगी, दिमाग भी बढ़ेगा। मेरा बेटा। मैं हूँ छोलियार आहा, मैं हूँ देव। देव, तुम्हारा लेटर है इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी से? क्या हुआ देव? Now I'm Lieutenant Dev Ram, son of late Tani Ram. मैं सेना में अफसर बन गया पारू। देव, देव मुझे तुम पर पूरा विश्वास था देव, कि तुम एक दिन आर्मी ऑफिसर जरूर बनोगे देव। काकी माँ तो ये खबर सुनते ही खुशी से पागल हो जाएगी। देव, लेकिन मुझे तुम कुछ खुश नहीं लग रहे हो। ऐसा निराला खेल है भगवान तेरा, इतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद भी मेरी आत्मा दुखी है पारो। ये देखो, ये जानती हो क्या है? ये देश में हर साल होने वाले नेशनल फोक डांस कंपटीशन की रसीद है, जो पिछले 5 साल से पिताजी भरते आए, लेकिन आज तक उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया।
तुम्हारा आज मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने पिता का अधूरा सपना जी पाऊं, उनकी खोई हुई इज्जत दिला पाऊं। लेकिन मजबूर हूं क्योंकि ये मेरी माँ का सपना है। वो चाहती है कि उसका बेटा आर्मी में अफसर बने, उसके समाज में इज्जत हो। ये कैसा धर्म संकट है। देव भगवान पर भरोसा रखो देव, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देव मैं तुम्हारे साथ हूँ, देव तुम्हारे साथ हूँ। देव बेटा देव, अरे अरे काका, तू यहाँ अकेले बैठा है। बेटा बधाई हो, बधाई हो, तू फौज में अफसर बन गया है, है? बेटा तू सोच भी नहीं सकता कि हम गांव वाले कितने खुश हैं। बेटा तूने दिखा दिया कि हम छोटे लोग भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। सही कहते हैं काका, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हम भी अफसर बन सकते हैं, आप सही कहते हैं काका। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे आज। पिताजी ने कभी किसी प्रतियोगिता के बारे में आपको बताया था? हाँ बेटा, कहते तो थे, लेकिन बेटा हम छोटे लोगों के लिए वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। बेटे बेटा जब दाजीयू नहीं रहे तो इन लफड़ों में क्यों पढ़ना चाहता है बेटा? तो अपनी फौज में जाने की तैयारी कर बेटा, तू फौज में जाने की तैयारी कर। काका मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा फौज में। इस गाँव का क्या होगा, आपका क्या होगा? शादी बारातों में नाच गा के चार पैसे कमा लेते थे, अभी बंद हो गया। कैसे कैसे जियोगे आप लोग? बेटा देख हम पहले भी जी रहे थे और अभी अपना पेट जैसे तैसे पाल लेंगे, तू इसकी फिक्र मत कर बेटा। काका सुनाई नहीं दे रहा क्या? तब से आवाज देख बेटा, तेरी काकी मुझे कब से आवाज लगा रही है, नहीं गया तो मेरी जान खा जाएगी। तू मेरी बात मान ले बेटा, तू मेरी बात मान ले। अपने पिता का अधूरा सपना और उनके दल की हालत जानने के बाद मैं अपना फैसला ले चुका था। बस मन में एक संकोच था कि मेरी माँ मेरे इस फैसले से खुश होगी या नहीं। लेकिन एक दिन मेरा देवू इतनी बड़ी सोच रखता है, मुझे आज मालूम हुआ। तेरे बाजू के समर्पण को मैं आज समझ पाई। मेरी आंखें खोल दी बाबू तूने। तू यही चाहता था ना, यही तेरा धर्म है। तेरे पिता की भी यही इच्छा थी और आज मेरी भी यही इच्छा है। अब मेरा लक्ष्य था मेरे इस छोलिया नृत्य को एक नया नाम, एक नई पहचान दिलाना। फिर क्या था, टीम के बिखरे छोलियार धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ने लगे। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये सब क्या है बेटा तू? मैंने फैसला कर लिया है काका, अब मैं अपनी जिंदगी एक छोड़ियार बनकर जीऊंगा। अब यही मेरी जिंदगी का मकसद है। हमारे लिए इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है दादू का सपना अब जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा।
हम अपनी जान लड़ा देंगे, जान लड़ा देंगे। क्यों भाइयों? देव, ये माने तुम्हारे लिए टिफिन पैक किया है। दिल्ली पहुंचते ही काम में मत लग जाना, पहले थोड़ा आराम कर लेना। और माँ की चिंता बिल्कुल मत करना। तेरी मेरी माया, अमर है जाने। तेरी मेरी माया, अमर है जाने। दुनिया हम थे, याद कर ले, जब तक जियो लो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, क्या काम है? मेरा नाम देवराम है, उत्तराखंड से आया हूँ और चाहता हूँ अगस्त में होने वाले फोक डांस कंपटीशन में हमारा छोलिया भी इसका हिस्सा बने। छोलिया नाच वो जो बरातों में होता है, उसे बरातों तक ही रहने दो भाई। हमारे उत्तराखंड का मजाक बनाओगे क्या? मैं भी उत्तराखंड से हूँ। अच्छा ये बताओ, रजिस्ट्रेशन करवाया था? आपकी मेहरबानी होगी तो हो जाएगा, मैं इसीलिए आया हूँ सर। आप बताइए क्या फॉर्मेलिटीज है? रजिस्ट्रेशन होना तो मुश्किल है भाई जी। लेकिन क्यों सर? ये कोई भांगड़ा, कथकली, मोहिनीअट्टम या कथक है क्या? तुम्हारे छोलिया को कौन देखेगा भाई? सर आपने बताया कि आप भी उत्तराखंड से हैं, लेकिन अजीब बात, आप एक उत्तराखंडी होकर हमारे इस छोलिया नृत्य के बारे में ऐसी घटिया सोच रखते हैं। देखिए, एक बार समझा दिया ना आपको, अब मुझे समझाने की कोशिश मत करो। सर मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं सर। अब हिंदी में बोला है आपको, समझ आती है या गार्ड को बुलाऊं? कह दिया ना। ओके डन, आप जाइए यहाँ से। जोशी जी, why this noise coming? सर आप ही बताइए, ये गांव से उठ के आ गए हैं और कह रहे हैं कि फोक कंपटीशन में शादी बरातों वाला नाच शामिल कर लो। सर आप ही बताइए, मुमकिन है? हाँ तो जेंटलमैन, आप बताइए क्या मसला है? गुड मॉर्निंग सर, आई एम देवराम रिप्रेजेंटिंग द छोलिया डांस फ्रॉम द होली हिल्स ऑफ उत्तराखंड एंड हैव कम जस्ट टू टेक पार्ट इन दिस नेशनल फोक डांस कॉम्पिटिशन, दैट्स वॉट आई एम आस्किंग हिम फॉर। ग्रेट, डोंट वरी जोशी जी, एक बात ध्यान रखिए, कलाकार की इज्जत करना सीखिए सबसे पहले। तो मिस्टर देव कम विद मी, कम। हैव अ सीट मिस्टर देव। थैंक यू सर। मैंने भी इस छोलिया नृत्य के बारे में सुना हुआ है, ये राजपूतों की शान और शौर्य का प्रतीक रहा है, हम बखूबी जानते हैं सर। मे आई कम इन सर? हाँ प्लीज कम नैना, बैठिए। थैंक यू सर।
ये मिस्टर देव राम है उत्तराखंड से और इनकी टीम भी इस साल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती। सर उत्तराखंड के छोलिया नृत्य की एप्लीकेशन 3 महीने पहले ही मिल चुकी है लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इज इट? ये तो बड़ी गलत बात है। अच्छा ऐसा करिए आप इनके डॉक्यूमेंट्स लीजिए और प्रोसेस में डालिए। ओके सर। प्लीज। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। हाँ तो मिस्टर देवराम आप तैयारी कीजिए, इस बार आपकी टीम कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। सर आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड, थैंक यू वेरी मच सर। जाइए तैयारी कीजिए। थैंक यू। आई होप यू विल मेक इट। सीधी बटिया में तो देवी क्या है? क्यों अच्छा नहीं लग रहा हूँ? ये चेहरे पे क्या लगा रखा है? अच्छा देखो कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं, अब मैं एक छोलियार हूँ, हम तो ऐसे ही लगेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं भी करके दिखा सकती हूँ। चाल मेरी प्यारी है चढ़ाई उतार के भी ताल है हजार, कहाँ हूँ मैं ताल से ही जाने संसार। जीजा जी वो अपना ढोली धनीराम का लौंडा बड़ा उड़ा है। क्या हुआ? अरे वो दिल्ली में किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, इसके बाद सेना में अफसर भी बन गया था, और हाँ अब उसने वो नौकरी ठुकरा दी है और हमारे गांव आ गया है, और हाँ साला छोलिया टीम का नेता बना फिर रहा है। इस छोली के लौंडे की इतनी औकात, गांव में फिर से अपना नाच गाना शुरू कर रहा है। जाओ उस छोली के लौंडे को उसकी औकात बता दो। जी जी अजी। जाओ कर दो उसकी ठी ठी ठी। जी जी जाजी चल छेरू दिखा देते हैं। साला गन आदमी गन ही मचाता है। Come on!
अबे क्यों अबे दानी राम की औलाद बड़ा उड़ा साल है मेरे को मारा मेरे को मारा तूने साले रुक ये रुक एक बार की औलाद है रुक अभी बता दो मेरे को जिया जी रुको अरे जिया जी मार जा डाल ले काका। अरे अरे बेटा देव जीते रहो बेटा जीते रहो। अरे तेरी ये चोट कैसी लगी बेटा? अरे इसको छोड़िए काका, ये देखिए। अब मैं पढ़ा लिखा तो ठहरा नहीं, मैं बताता हूँ काका। हमारे कंपटीशन को महज एक महीना रही है और काका इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है इन सबको पता लग जाए कि छोलियार क्या है। शाबाश बेटा शाबाश, मैं तेरे से यही उम्मीद करता था, तो दाजू का नाम जरूर रोशन करेगा। शाबाश बेटा शाबाश। अजय आप भी कहीं गोली मत चला देना जाजे, मैं हरिया जाजे। क्या हुआ जियाजी? वो दानी नाम के लड़के ना हमारी कुटाई कर दी जियाजी। शर्म नहीं आई तुझको? दानी राम के लौड़े से पिट के आ गया? तू असली ठाकुर की औलाद होता तो कर देता उनका क्या पाचा। भाग यहाँ से। दीदे जीजा जी ने मार दिया। सीधी बटिया में तो ताल मेरी न्यारी है, आंगन में नाचूं तो चाल मेरी प्यारी है। नहीं मानोगे ना तुम लोग? हाँ ऐसे जीतेंगे हम लोग? बताओ तुम बताओ ऐसे जीतेंगे हम लोग? तुम बताओ। जो ये हालत है ना आज तुम्हारी, तुम इसके खुद जिम्मेदार हो। इतना बड़ा सपना हम लेके चल रहे हैं और कंपटीशन को महज 20 दिन रह गए और तुम्हारी ऐसी तैयारी है। ऐसे जीतेंगे हम लोग? किसको चलना है दिल्ली मेरे साथ? ऐसे पहुंचेंगे, ऐसे लोग पहुंचेंगे दिल्ली मेरे साथ, ऐसे जीतेंगे लोग। इसको लेके जाओ। मैं चलना दिल्ली। मजाक बना चलो दिल्ली। दारू पी के आना। मैं चलना दिल्ली। कला की इज्जत करते तो इज्जत मिलती। मैं चलना दिल्ली। देव पानी, देव सब सही हो जाएगा। पता नहीं कब सही होगा, दारू पी के पड़े रहते हैं साले। विश्वास रखो देव, सब सही हो जाएगा।
तेरा बाप सुबह सुबह दूध पी रहा है और तू नालायक सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। चल रख इसको यहाँ, एक्सरसाइज कर, लगा पुशअप। अब तो तेरी शादी भी कर दी, कम से कम दंड बैठक लगाना तो सीख ले। अरे ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पटवारी साहब। हाँ बैठो बैठो, पिछली बार की तरह इस बार भी आपका पूरा सपोर्ट चाहिए पटवारी साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चर्चाएं तो सिर्फ हमारी होती हैं चारों, क्यों? ठाकुर साहब आपका गांव तो वैसे ही चर्चा में है। क्यों क्या हुआ? अरे ठाकुर साहब वो गांव में अपने दानी राम का लड़का है ना देवराम। कौन? वो देवुआ? जी जी जी। अरे वो तो बड़ा ही होनहार लड़का निकला। अच्छा? किस लिए? अब इनका जो छोलिया नृत्य है ना ठाकुर साहब, वह अब बारातों तक ही सीमित नहीं रह गया है। इसे तो भारत सरकार ने नृत्य कॉम्पिटिशन के लिए दिल्ली बुलाया है। चलो देखते हैं वह जाकर क्या झंडे गाड़ेंगे। नहीं नहीं ठाकुर साहब, उस लड़के में कुछ बात तो है, तभी तो भारत सरकार ने उसे दिल्ली बुलाया है। अच्छा ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार। कुछ नहीं होता बेवकूफ तुझसे, एक डंबल तो उससे उठाया नहीं जा रहा है। चल जाओ अंदर। सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, ये ठोली और दिल्ली। का पलाग जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। देव देख पाली गांव से ये दो युवक आए हैं। ओह ग्रेट। और ये दोनों तुम्हारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। क्या बात है क्या बात है। और देव एक चीज और बताऊं, ये दोनों इंटर पास हैं, पढ़े लिखे हैं। नमस्कार वेलकम। बेटा तैयारी तो ठीक चल रही ना? हाँ बढ़िया काका। ठीक है बेटा ठीक है। जी वो रहा साला देवराम। बेटा यही रहा वो ठाकुर। दाजी मैं देखता हूँ साले को आज। हैं अबे चल हट पीछे।
मैं देखता हूँ उसको, पहले अपने आप को तो देख। क्यों बे लौटे, बहुत गर्मी है तेरे खून में है? बहुत समझता अपने आप को, दिल्ली जाकर दो चार अक्सर पढ़ाई क्या कर ली, बहुत बड़ा अफसर समझने लगा। अरे कितना ही पढ़ ले जीजाजी, आया तो अपनी ही औकात पे ना। अरे बेटा नहीं, ये वक्त नहीं है बेटा इनको जवाब देने का। अगर मेरे हाथ ना बधे होते ना, तेरी गर्दन यही धड़ से अलग कर देता। अच्छा, खूब गर्मी है तेरे खून में है? हमारे यहाँ ना खूब नचाएंगे तुझे भी, चलो। लेकिन मैं कहता हूँ चलो। ठीक है साले, बाद में देख लेंगे तुझे। देख लेंगे। भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे जय जय हो बद्रीनाथ, हो जय काशी केदार, जय जय Thank you.
सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के मकसद से हर साल आयोजित होने वाले इस नेशनल फोक डांस कॉम्पिटिशन को लेकर देश भर के लोगों में गजब का उत्साह है और इस बार लगभग सभी राज्यों की टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। तो बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने जा रही है देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक प्रतियोगिता। टेलीविजन में, अरे बड़े बड़े लोग हैं वहां, वहां नाच रहा वो, यहां जल्दी आ जल्दी आ। ए पारू, जल्दी आ, मेरे देवू टीवी में आ रहे हैं, जल्दी आ। हरिया, तू भी हर वक्त चैनल बदलते रहता है, अरे कभी कभी ढंग का प्रोग्राम भी देख लिया कर, चल चैनल बदल। Sharma then got in on the act. Shane Watson chopping that one on. It's Faulkner who was LBW to Ishant Sharma. क्या जीजा जी, तुम भी बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। गिरगिट की तरह रिंग मत बदल, चैनल बदल। क्या कमिया की तरह नाच रहा है तू तो, वाह क्या बात है, वाह वाह, हो गया बस बैठ जा। आज सुबह से चल रहे इस नेशनल फोक पंजाब राज्य। रुक रुक रुक, आरिया पीछे जा और पीछे। फाइनल राउंड अब शुरू होने जा रहा है जिसमें देश भर से 6 राज्यों की टीमें यहां पहुंची हैं। इन राज्यों में यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पहली बार इस मंच पर आई और अजूबे की तरह उभरी उत्तराखंड की टीम छोलियार। आइए अब आपको ले चलते हैं ऑडिटोरियम के अंदर। तो फाइनल कंपटीशन का आगाज होने जा रहा है राजस्थान के घूमर नाच के साथ। पिछले 3 साल से लगातार ये टीम इस खिताब पर कब्जा करती आ रही है। अब देखना ये है कि इस बार ये टीम अपना जलवा बरकरार रख पाती है या नहीं। भाइयों, गुजरात के बाद अब हमारी बारी है। 10 मिनट रह गए बस। महज 10 मिनट, 10 मिनट के बाद होगी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। और ये मत भूलना कि अगर 22 टीमों में से हम यहाँ फाइनल की 6 टीमों में अपनी जगह बना सकते हैं तो उन 6 में से अब हम विजेता भी बन सकते हैं। सिर्फ अपने पर विश्वास रखना। तैयार होना सब।
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और असम के बाद अब आप सबके सामने प्रस्तुत है उत्तराखंड का छोलिया नाच। ये थी हमारे आज के इस फाइनल राउंड की अंतिम प्रस्तुति और अब आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा आज की विजेता टीम का। तो इसकी घोषणा के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि देश के वरिष्ठ राजनेता माननीय विजय शर्मा जी को। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं यहां पर देश भर से आए सभी कलाकार बंधुओं को व टीमों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं सांस्कृतिक विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनके माध्यम से विभिन्न प्रदेशों के कलाकार बंधुओं ने अपने प्रदेशों की संस्कृति को बड़ी सुंदरता के साथ यहाँ प्रस्तुत किया। क्योंकि एक कठिन काम मुझे दिया गया है कि मुझे विजेता टीम की घोषणा करनी है, मगर मैं उसके साथ यह भी जरूर कहूँगा कि आप सब ने इस मंच में बहुत सुंदर प्रदर्शन किया, मगर जिस लोक नृत्य ने अपनी सबसे जुदा नृत्य शैली व अपने अद्भुत कला से यहाँ सभी का मन मोह लिया वो है देवभूमि उत्तराखंड का छोलियार नृत्य। सर्वोत्तम और शानदार जीत के लिए मैं उत्तराखंड की छोलिया टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही 11 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। आने वाले समय में देवभूमि उत्तराखंड से छोलिया नृत्य पूरे विश्व में और आगे बढ़े इसके लिए सरकार और अधिक प्रयास करेगी, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। मैं उत्तराखंड के छोलिया टीम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सिर में है पगड़ी पे जामा चूड़ीदार, चोले में डाले मैंने रंग हजार, घूमता हूँ नाचता हूँ, घूमता नाचता हूँ, जब भी खुशी में हो बसर जाए खुशियाँ छाए बहारे, बसर जाए खुशियाँ छाए बहारे। थैंक यू वेरी मच सर। यह जीत छोलिया नृत्य की नहीं बल्कि एक सपने की जीत है, जो सपना मेरे स्वर्गीय पिता दानीराम ने देखा था कि शादी बारातों में होने वाला यह नृत्य देश में ही नहीं पूरे विश्व में छाए। और आज बहुत खुश हूं
क्योंकि आज वो सपना हकीकत में बदल गया और आभारी हूं अपनी पूरी टीम का जिसने रात दिन सिर्फ मेरे पिता के सपने को जिया। और सही मायने में ये जीत एक विश्वास की जीत है, हमारे सम्मान की जीत है। जय भारत, जय उत्तराखंड। कमाल कर दिया तूने देवाज, आज तूने अपने गांव का ही नहीं पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया। वाह देव वाह, और दिन आज तूने सबकी खी खी खी। बरस हजारे